कोशिश करो, ये देखो कहता है रेडियस ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम 18 पिकोमीटर। अब देखो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा सिस्टम जिसके लिए बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो वैलिड है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं, और वो जो सबसे छोटी वाली रेडियस है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो हम कहता है वो कौन, उसमें एटम्स कौन या आयन्स क्या होगा उसके बारे में हमें बताना है। तो अगर एटम्स एन क्या होगा, अगर रेडियस लिखोगे तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट और यहाँ से एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉन में होता है, बी केयरफुल, किस में होता है, एंगस्ट्रॉन में, ठीक है। और ये 0.5 आर की वैल्यू होती है, और एन स्क्वायर और यहाँ से जेड, यहाँ से एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, ये तो यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ये रेडियस है जनरल आर भी एंगस्ट्रॉन में है, बी केयरफुल। लेकिन यहाँ पे पिकोमीटर में रेडियस दिया हो, शॉर्टेस्ट रेडियस के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी यार, तो रेडियस देखो शॉर्टेस्ट तभी होगा जब एन की वैल्यू वन होगी, एन की वैल्यू वन होगी तभी तो रेडियस सबसे छोटा होगा भाई, तो रेडियस सबसे छोटा होगा जब एन की वैल्यू वन होगी, तो रेडियस मिनिमम होगी और उसकी वैल्यू होगी 18 पिकोमीटर, और ये आ जाएगा पिकोमीटर में कन्वर्ट करें 0.529 और ये जेड और ये एंगस्ट्रॉन में है तो 10 की पावर 10 मीटर, मीटर में हो गया, फिर मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -12, ये समझ में आया, तो 10 की पावर -12 तो ये आ जाएगा 10 की पावर -10 और +12, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5.9 अपॉन जेड ये पिकोमीटर, तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 52.9 और 18, तो अप्रॉक्सीमेटली जेड की वैल्यू 3 आ रही है, क्योंकि 2 से ज़्यादा आ रही है, राउंड अप करोगे तो ये तो होगा नहीं, ये उसी का आइसोटोप से ये होगा नहीं, मतलब डी ऑप्शन सही है, ठीक है, चलो।